जय माँ दंतेश्वरी। दंतेवाड़ा यात्रा, माँ की दर्शन, आइए जानते हैं छोटा सा रिपोर्ट में पब्लिक रिव्यू। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र बघेल है। धर्मेंद्र बघेल जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे परिवार खुशहाली रहे। आप दंतेवाड़ा क्यों जा रहे हैं भाई? दंतेवाड़ा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग कभी नहीं गए हैं। नमस्कार, कहाँ से भैया? मालगांव माँ के दर्शन के लिए जा रही है। हाँ। कि नहीं, हर मनोकामना पूर्ण हो। हाँ, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है फिर एक नई ब्लॉग वीडियो में। रिसेंटली हम आज जा रहे हैं दंतेवाड़ा पैदल यात्रा। सेवा जोहार। सेवा जोहार। हम बहुत लोग जा रहे हैं। सुधल भी लोग मनाओ। हाँ, सुधल भी लोग मनाओ। अभी मार्कंडी नदी के पास है। मार्कंडी नदी हम जो अलबी में बलसोत नदी। सुधल भी लोग लाइक करा, कमेंट करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब करा, देख सकते हो ये। तो गाइस, आज का ये छोटा सा नॉर्मल ब्लॉग है। यहाँ पे रीजन जानना चाहेंगे कि दंतेवाड़ा वो क्यों जा रहे हैं। हाँ, दंतेवाड़ा सिर्फ। ठीक है, ठीक है। और आप बताइए, कुछ बताइए, कैसा लग रहा है कि आपको पैर वगैरह तो नहीं दर्द कर रहा है ना? पैर तो बहुत दर्द कर रहा है। हाँ, मेडिकल सुविधा वगैरह नहीं है कहीं पे? सुविधा है, सुविधा है ना? हाँ, करवाना चाहते हैं। कैसे तो सुविधा, दर्द हो रहा है तो हमें गोली वगैरह लेना चाहिए ना, और तरह तरह की उपकरण हमें यूज करना चाहिए। दंतेश्वरी माई के मंदिर में जा रहे हैं तो मेडिकल नहीं करवाएंगे। नहीं करवाएंगे। अच्छा, हाँ, हमको पूरा विश्वास है भगवान पर। अच्छा, खुद दर्द सह के भी आप यात्रा कर ही लेंगे। अच्छा अच्छा, और भाई आप क्या कहना चाहेंगे दंतेश्वरी माता? अच्छा, उनको देना। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? शुभ नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र बघेल है। धर्मेंद्र बघेल जी। अच्छा, हाँ, कहाँ से आप? माकड़ी से हैं शायद। हाँ, और आप कहाँ के हैं भैया जी? चिनारी से। और आप भैया जी? क्षमतापुर से हैं। वो भाई सेल्फी लेने में बिजी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इतना दूर क्षमतापुर और माकड़ी, देखिए इतना इतना दूर से आए हैं भाई दंतेवाड़ा, जो कि पैदल यात्रा, जैसे कि देख सकते हैं। हमारे साथ लगातार बने रहे, आपको अनेक सारे लोगों का रिव्यू देंगे। अभी यहाँ पे मार्कंडी नदी के पास हैं, जो कि सोनारपाल। हमारे पास माइक भी नहीं है, इसीलिए हम ट्राइपॉड को माइक बनाए हैं ताकि थोड़ा बहुत न्यूज का फील आए। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। और भाई, अभी जैसे कि अभी रिसेंटली दो सब्सक्राइबर मिले हैं, इनसे देखते हैं। आप दंतेवाड़ा क्यों जा रहे हैं भाई? दंतेवाड़ा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग कभी नहीं गए हैं। अच्छा। तो यहाँ बताए थे कि क्या, तो क्या बोलते हैं, पैदल किसी में बस चलते हैं करके हम लोग जा रहे हैं बस। अच्छा, आप कहाँ से हो? मालगांव से, कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिला। आपका नाम? नाम भैया, नाम बोल रहे हैं। मेरा खेमराज पोयाम है। खेमराज पोयाम। दंतेवाड़ा जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट टाइम दंतेवाड़ा जा रहे हैं, जो कि देखने के लिए जा रहे हैं। और भाई साहब से भी इनसे भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। आपका नाम भैया जी? ठीक है, श्याम सुधर पोयाम। आप भी मालगांव से हैं? मालगांव से। जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, भाई साहब से मिले, बहुत ही अच्छा लगा। तो सफर अभी जारी है, दुर्घटना जन्य है। अभी शाम हो चुका है और अभी हमें है बालेंगा में। अभी 6:00 पता नहीं कितना मिनट हुआ है। अभी हमें यहाँ से जाना है बस्तर। बस्तर में आज रुकना है, उसके बाद यहाँ से आगे की सफर कल या शाम को या पता नहीं कितना समय तय करेंगे। उसके बाद वहाँ से हम दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे और उसके बाद देखिए गाइस। अभी शाम हो चुका है, बारिश भी हो चुका है, चलने में बहुत ही मजा आ रहा है। सो हैप्पी गाइस, इसीलिए दंतेवाड़ा आते हैं, लोग मनोरंजन करे और साथ ही साथ एंजॉय करे, दर्शन करे, दर्शन कर भी नहीं सकते हैं। माइक लगा। तो बड़ा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क भी गिर रहा है, पानी भी गिर रहा है। तो बोले प्रॉब्लम रहा है, जो मेन टॉपिक है उस पे बात करते हैं। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। आप दंतेवाड़ा जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आप किस वजह से दंतेवाड़ा जा रहे हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। मैं देखो पहली बार दंतेवाड़ा जो जा रहा हूँ। हाँ जी, इसमें मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे परिवार खुशहाली रहे, बाल बच्चे खुश रहे और भविष्य भी खुश रहे। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तालियां।
देखो यार, देखो भैया जी, आप दंतेवाड़ा जैसे की यात्रा कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जैसे की मेडिकल सुविधा वगैरह यहाँ पे मिल रही है और समय पर भोजन व्यवस्था है, ये सब मिल रहा है ना आपको? हाँ मिल रहा है, ये महोदय की कृपा है ना, हर चीज मिल रहा है खाने की। महोदय, महोदय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मोहन मरकाम की जी के बारे में कुछ बताइए, कहना चाहेंगे? देखो ऐसा ये नेता जी ऐसे है ना, आज तक कोई नेता ऐसा पद यात्रा तो नहीं किया था, देख भी रहे हैं, सेव कर दो। नहीं तो कहीं दे, नहीं कोई दिक्कत। वाइफ तो आ रहा है यार, वाइफ तो आ रहा है। गाइस कल मिलते हैं फिर इसी टाइम में, नहीं मिलेंगे सुबह सुबह मिलेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी के जय माता दी। वीडियो बना गया गिदम पहुंचने में। हम 2-2 घंटा या तो मतलब सुबह से निकलते 4-5 बजे निकलते, कम से कम 2-2 घंटा का तो इसमें मतलब जब मिल जाता है आराम करने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, प्रसार हो रहे हैं और हम कुछ ही दूरी पर मतलब 40-45 किलोमीटर दूरी पर हमारे ग्राम जो होते हैं वहीं सोते हैं। अरे आप, आपको देख के यह तो नहीं लगता कि आप स्वस्थ हैं? उसके सहारे पे चल रहे हैं, उसके ऊपर हाथ रखे हैं, एक इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हाथ हटाइए वहाँ से। ऐसा नहीं है, एक भगवान के प्रति आस्था है। आस्था, उसमें भी आस्था है? चलना तो पड़ेगा, दूसरे की हाथ रख के भी आप चलना चाहेंगे? यहाँ पे विधायक महोदय मोहन मरकाम का स्वागत भव्य तरीके से किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक महोदय मोहन मरकाम का यहाँ पे भव्य स्वागत किया गया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के कांग्रेस पार्टी के लोग मोहन मरकाम को बहुत स्वागत किए, फूल हार से और पानी की व्यवस्था थी, इसमें बहुत ही अच्छा था। और हाँ, स्वागत किया गया और मोहन मरकाम यहाँ से प्रस्थान हो गए हैं, अभी थोड़ा निकल चुके हैं। अच्छा ठीक है, बताइए क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ भाई, हम लोग अभी बागमुंडी से दंतेवाड़ा की ओर मतलब गिदम बहुत ही मुश्किल से पहुंच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है सामने चल रहे हैं विधायक मोहन मरकाम जी, मतलब धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं अपनी विश्राम गृह की ओर। यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं सामने, बहुत ही ज़्यादा गाड़ी उड़ी पड़ी हुई है। और हम तो दादा मित्रो जवान नौजवान। भैया जी नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से भैया? मैं मालगांव से। भैया आपका शुभ नाम? हरिचंद नेता। भैया आज दंतेवाड़ा या गिदम पे पहुँचे हैं, यहाँ से मोदी जी के साथ रवाना होंगे, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे? दर्शन के लिए जा रही है कि नहीं, हर मनोकामना पूर्ण हो। हाँ, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी, जय माता।